Lakshmi Balanta Deva, Lakshmi Padepe, Rupa Pasmarame, Labate Sam, Yasam, Sam Paragia, Yasam, Yasamo, Yasujanatana, Yasu Yoga, Yasu Parso, the Rudra, the Supreme Mutual Hotel, who are the Patrima, and then Yasin Yatoma, Yasapan Paste, Yasamita Lutana, Yoga Chema Mahayam, Samate Sakalyaram, Bajan, Yasujate, Ursam Tanjam, Nitam, Jam, Sarah, Sarve Swaram, Bakadi, Sutra, Steve, Munesra. They want to send them from Hesajan Ardana, the Swiss of Madhu. How did you have leather? अंधेरी पूर्व दिग भागे पश्चिम दिग भागे अंधेरी पश्चिम ये क्या है चार बंगला नामक स्थान अंतर्गत अस्मिन स्थान अस्मिन व्यापार भवन है परिध्यावी नाम सम बसरे बसन तरितव मासा नाम मास उत्तम में मासे सुबह मासे वैशाख मासे गढ़ पंचे पंचम याम उपरांते खष्टम याम मध्य धव बुधवार सरान तायाम भुजी वशिष्ठ बाकी के जो इसकी स्टार कास्ट है वो नई है बाकी विजेंद्र काला जी हैं बाकी एक दो बड़े एक्टरों को और पिच कर रहे हैं बाकी ये डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के ओके सो क्या खास बात लगी इस फिल्म की और बेसिकली इस फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है ना वो अभी तक किसी ने टच नहीं किया उसको मतलब जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उसके बाद उनकी मनोदशा क्या होती है आज तक कोई मतलब इस बात के ऊपर आज तक कभी बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बनी फिल्म में काम करने वाले जैसे सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि रेप के ऊपर चलती है इसमें देखिए एक्चुअल में क्या है कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ तो मतलब जब तक उसको न्याय दिलाने के लोग जो हैं अपना जोर लगाते हैं फेसबुक पे ट्वीट किया ट्विटर पे ट्वीट किया इस तरह से आवाज़ उठाते रहते हैं लेकिन जब जो अपराधी है उसको सज़ा मिल जाती है बाद फिर उस लड़की की जो है समाज में क्या स्थिति होती है और किस तरह से लोगों का नज़रिया होता है उसको लेकर ये कहानी है 24 मई को फिल्म ऑन फ्लोर जाने वाली है आपकी तरफ से क्या तैयारियां होने वाली है फिल्म किस तरह की प्रिपरेशन की गई है हमारी तरफ से तो हम लोग सारी जो है पूरा रैकी वगैरह किए हैं और करेक्टराइजेशन अपना किया है अच्छे से और बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं इस कहानी को लेकर बेसिकली ये देहरादून में शूट होने वाला है उत्तराखंड में उत्तराखंड में बहुत अच्छी लोकेशन है जैसे अपना शस्तधारा है अपने यहाँ के कैसे देवबंद है ऋषिकेश है और देहरादून बेस्ट सिटी है मेन सिटी वहाँ पर और वहाँ पर बहुत ही पहाड़ी इलाका है बेसिक एक हिल स्टेशन दिखा है वहाँ पर स्वीट से एक लव स्टोरी है पोस्ट ऑफिस ये भी हाँ मेरा नाम अनुराग शर्मा है मेरठ से हूँ और नेगेटिव करेक्टर कर रहा हूँ विजय के नाम से तो तरफ से क्या प्रूफ मिला आपको और क्या तैयारियाँ की है क्योंकि 25 में से आपकी तरफ से क्या
मेरी तरफ से सारी तैयारियां बाकी स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको सर आप जितना कि मैंने आपको पहले भी कैरेक्टर समझा है तो वो एक फ्रेंड का कैरेक्टर है और उसमें मतलब अपनी फ्रेंड की किस तरीके से हर जगह मदद करता है और स्टोरी के बाद बस ये समझ आया कि बिना ग्लैमर के भी हम कहानी चला सकते हैं इस चीज़ों को कहानी बना सकते हैं माया एक्चुअली एंड सर सर ने जब मुझे इस फिल्म की जो स्टोरी बताई काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है एंड जैसे कि सर ने कहा कि अभी तक बॉलीवुड में इस टॉपिक के उसे किसी ने टच नहीं किया एंड तो पॉजिटिव टेक्निक किसी लड़की पे या कोई भी किसी लड़की पे रेप होता है उसे लेके स्टोरी है एंड इस फिल्म में जस्ट ये दिखाया गया है कि आफ्टर रेप लड़की की सिचुएशन समाज का एंगल क्या है और क्या होता है एंड क्या होना चाहिए सिर्फ हमें कमेंट्स करके या कैंडल मार्च करके ये सब करके कुछ नहीं होना है हम में से किसी एक को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा ये इस फिल्म में कुछ दिखाया गया हेलो आई एम रजनी सिंह आई एम प्लेइंग द मदर और जैसा कि जब सर से मैं मिली सर ने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी बीइंग अ लेडी जैसे कि मैम ने बताया हार्ट टचिंग है तो इसके लिए मैं सर के साथ जुड़ी हूँ एंड आई होप हमारी पिक्चर बहुत हिट हो बहुत अच्छा करे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम द होल टीम ओके जी अभी तो फिलहाल मुझे गाने के लिए जो सिचुएशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हमने अभी गाने की रिकॉर्डिंग की बात की और जो ब्रीफिंग अभी हमारी बाकी है तो जब हमको स्टोरी पूरी ब्रीफ की जाएगी उसके बाद हम थीम सॉन्ग के ऊपर हम पूरा सोचते हैं ना कि थीम सॉन्ग करना है तो हमें ब्रीफिंग मिलती है अभी तो रोमांटिक सॉन्ग हम कर रहे हैं उसके बाद हमें जब ब्रीफिंग हो जाएगी फिर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि स्टोरी क्या है फिर भी सर थीम है सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड है और तो जो आज सोसाइटी में है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं जो भी प्रोजेक्ट है मतलब हमारा पोस्ट ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और थोड़ा डिफरेंट है अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट आया नहीं तो मैं तो बहुत आई एम सो प्राउड ऑफ मी कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मूवी मतलब इसका पार्ट होना और इससे ज़्यादा क्या कहना है बाकी आप मूवी में देखिएगा ठीक है जैसा ब्लास्टिंग का बिजनेस है और अनुराग जी ने मुझे इनवाइट किया था कि ऐसे ऐसे फिल्म बन रही है तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में भले ही लव पोस्ट बन रही है थोड़ा बहुत तो एक्शन होगा तो कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी राजकुमार जी को और अनुराग जी को तो मैं बधाई देने आया हूँ बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा और सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको सपोर्ट दें जितने भी दे सकते हैं बस यही एक वो है